वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। चैप्टर वन, वॉवल्स लॉन्ग साउंड। तो आप इसका पहले भी पढ़ चुके हो, पार्ट वन आपने पढ़ा था। लॉन्ग साउंड में डबल ई वाले जो लॉन्ग साउंड वाले वर्ड हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर टू। तो लुक केयरफुली स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखना है ब्लैक बोर्ड पर। लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो पार्ट टू में हम क्या सीखेंगे, वॉवल्स ऑफ लॉन्ग साउंड। इसमें आपको पढ़ना है लॉन्ग साउंड ऑफ डबल ओ, ठीक है। क्या पढ़ना है, लॉन्ग साउंड ऑफ डबल ओ जो है वो किस तरह से बोली जाती है, इसमें आपको लॉन्ग साउंड पढ़ना है, ठीक है। देखो बच्चों, आपने पहले पढ़ा होगा एड डबल ओ के, ठीक है। आप इसको किस तरह से बोलती हूँ, एड डबल ओ के को बी डबल ओ के, सी डबल ओ के, जी डबल ओ डी, डब्ल्यू डबल ओ डी। तो इसको जब हम बोलते हैं, ये कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, लॉन्ग साउंड नहीं है ये, ठीक है। इनमें भी डबल ओ का यूज हुआ है, बट ये जो है ये लॉन्ग साउंड नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे ना एल डबल ओ के लुक, एल डबल ओ के क्या बोलोगे, एल डबल ओ के लुक, ठीक है, ऐसे लुक नहीं बोलोगे, ठीक है। बी डबल ओ के को क्या बोलोगे, बुक बोलोगे, इसे बुक नहीं बोलोगे, जो लगाने की जरूरत नहीं है। बी डबल ओ के क्या होगा, बुक होगा। सी डबल ओ के क्या होगा, बुक होगा। जी डबल ओ डी गुड, डब्ल्यू डबल ओ डी गुड, ठीक है। तो ये लॉन्ग साउंड वर्ड नहीं है, इनमें भी डबल ओ आए हैं, है ना, इस सब में देखो डबल ओ है, बट ये लॉन्ग साउंड नहीं है। इन्हें हम जब बोलते हैं तो हमें तेजी से बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लॉन्ग साउंड होते हैं, इनमें डबल ओ का यूज होता है और इन्हें बोला जाता है तेजी से। देखो अब ये हमें देखने हैं लॉन्ग साउंड ऑफ डबल ओ वाले जो वर्ड कौन कौन से होते हैं, किस तरह से इन्हें बोला जाता है। देखो जैसे है एस पी डबल ओ एन, एस पी डबल ओ एन क्या होता है, स्पून। स्पून जानते हो आप, स्पून क्या होती है, चम्मच, ठीक है। स्पून से आप क्या करते हो, खाना खाते हो ना, स्पून। तो एस पी डबल ओ एन स्पून। और देखो एम डबल ओ एन, एम डबल ओ एन, एम डबल ओ एन क्या होता है, मून। एफ डबल ओ डी, एफ डबल ओ डी, एफ डबल ओ डी फूल। तो इन्हें बोलने के लिए आपको तेजी से बोलना पड़ रहा है ना। एम डबल ओ एन मून नहीं होगा, एम डबल ओ एन क्या होगा, मून। एफ डबल ओ डी फूड, और एस पी डबल ओ एन भी स्पून होगा। और देखो आर डबल ओ एफ, आर डबल ओ एफ रूप, रूप क्या होती है, छत, ठीक है। मून जानते हो चांद होता है, एफ डब्ल्यू डी फूड क्या होता है, खाना। आर डब्ल्यू एफ रूप क्या होती है, छत, ठीक है, रूप। और देखो एस टी डबल ओ एल, एक बार देखते हैं टी डबल ओ एल क्या होता है, टूल, ठीक है, टी डबल ओ एल टूल होता है। और जब हम इसमें एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस से क्या होता है, सेल, तो ये हो जाएगा स्टूल, ठीक है, एस टी डबल ओ एल क्या हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा। और देखो जेड डबल ओ जू, जेड डबल ओ क्या हो जाएगा, जू, ठीक है। इसे हम तेजी से बोलेंगे, जू नहीं बोलेंगे, एस जेड डबल ओ क्या होगा, जू। अब देखो सी डबल ओ एल कूल, ठीक है, पी डबल ओ एल कूल, एफ डबल ओ एल, एफ डबल ओ एल क्या हो जाएगा, फिर एफ डबल ओ एल हो जाएगा फूल, एफ डबल ओ एल फूल। और आपको बताया था टी डबल ओ एल टूल होता है ना। और देखो एम डबल ओ डी, एम डबल ओ
हैं एम डबल ओ डी मूड, एफ डबल ओ डी फूड, एन डबल ओ एन नून, एस डबल ओ एन सून, है ना। तो तेजी से बोला हमने एन डबल ओ एन नून, एस डबल ओ एन सून, और देखो आर डबल ओ एम रूम, बी डबल ओ एम बूम, डी डबल ओ एम धूम, और एल डबल ओ एम लूम। तो देखो ये समझ में आ गए होंगे आपको, एस पी डबल ओ एन स्पून, एम डबल ओ एन मून, एल डबल ओ डी फूड, आर डबल ओ एम रूम, टी डबल ओ एल टूल। जब हम इसमें एस ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, एस टी डबल ओ एल स्टूल, जेड डबल ओ जू, जेड डबल ओ जू, सी डबल ओ एल कूल, टी डबल ओ एल कूल, एफ डबल ओ एल कूल, एम डबल ओ डी मूड, एफ डबल ओ डी फूड, एन डबल ओ एन नून, एस डबल ओ एन सून, आर डबल ओ एम लूम, बी डबल ओ एम बूम, डी डबल ओ एम डूम, और एल डबल ओ एम लूम। और देखो एस सी एच डबल ओ एल, बताओ ये किसकी स्पेलिंग है, एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल क्या होता है स्कूल, तो हमें तेजी से बोलना पड़ता है ना, तेजी से बोलते हैं हम स्कूल। अब देखो एस टी डबल ओ एल स्कूल आप पढ़ चुके हो पहले भी, एस टी डबल ओ एल स्टूल, बी आर डबल ओ एम, ये क्या होता है ब्रूम, ब्रूम होती है झाड़ू, ठीक है, झाड़ू को क्या बोलते हैं ब्रूम, क्या बोलते हैं ब्रूम। और देखो जी आर डबल ओ एम, ये क्या होता है ब्रूम, जी आर डबल ओ एम ब्रूम। अब देखो बच्चों आपको देखनी है बुक, बुक में दिखाई दे रही है आपको ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अब देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस पी डबल ओ एन स्पून, स्पून जानते हो, ये देखो पिक्चर में आपको स्पून दिखाई दे रही है। और देखो एम डबल ओ एन मून, एम डबल ओ एन क्या होता है मून, ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है मून, मीन्स क्या होता है चांद, ठीक है। और देखो एफ डबल ओ डी फूड, ये क्या है खाना है ना, खाना रखा हुआ है एफ डबल ओ डी, फूड मीन्स क्या होता है खाना। और देखो ये आर डबल ओ एफ रूफ, ठीक है, ये एक हाउस बना हुआ है और हाउस की ये क्या है रूफ, ठीक है, किसी भी हाउस की क्या होती है रूफ होती है, छत होती है ना। और देखो एस टी डबल ओ एल, ये क्या है एस टी डबल ओ एल स्टूल है, ठीक है, स्टूल जानते हो ना स्टूल, एस टी डबल ओ एल, इस पर क्या करते हैं हम बैठते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ रखने के भी काम में आती है स्टूल। और देखो जेड डबल ओ जू, जू जू क्या होता है चिड़ियाघर, है ना, जू देखने के लिए हम जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है एनिमल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं, जू देखने के लिए जाते हो आप, है ना, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे लायन, ज़ेब्रा, जिराफ, मंकी, डक्स, बर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर दिखाई दिए हैं, आपको आपको इससे समझ में आ गया होगा, अच्छी लगी ना पिक्चर आपको देखने के लिए। अब देखो हम इन्हें पढ़ रहे थे, एक बार चलो इनको और रिपीट कर लेते हैं हम, लेट्स रिपीट अगेन, एस पी डबल ओ एन स्पून, एम डबल ओ एन मून, एफ डबल ओ डी फूड, आर डबल ओ एफ रूफ, टी डबल ओ एल टूल, एस एड कर दिया तो एस टी डबल ओ एल स्टूल, जेड डबल ओ जू, सी डबल ओ एल कूल, पी डबल ओ एल कूल, और पी की जगह यदि एफ लगा दें तो एफ डबल ओ एल फूल, ठीक है, सी डबल ओ एल कूल, एम डबल ओ डी मूड, एफ डबल ओ डी फूल, एन डबल ओ एल।
रूम, एस डबल ओ एन सून, आर डबल ओ एन रूम। जब आर डबल ओ एन रूम है तो बी डबल ओ एन बूम है, डी डबल ओ एन डूम है, और एल डबल ओ एन लूम, एस सी एच डबल ओ एन स्कूल, एस टी डबल ओ एन स्टूल, बी आर डबल ओ एन रूम, और जी आर डबल ओ एन ग्रूम। ठीक है, आर डबल ओ एन रूम होता है। अब इसमें बी ऐड किया है ना, तो ये ग्रूम हो गया। ठीक है, और जी आर डबल ओ एन क्या हो गया, रूम हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको लॉन्ग साउंड ऑफ डबल ओ, ठीक है, आपने पहले डबल ही पढ़ा था और आज पढ़ा है डबल ओ। डबल ओ जो है इसको भी हमें किस तरह से बोलना पड़ता है, तेजी से बोलना पड़ता है। तो आपको इस तरह के जो वर्ड हैं ये समझ में आ गए होंगे किस तरह से इनको बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज अ कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।